गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल रैंकर्स बस आई होप आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे बिल्कुल ठीक होंगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे सो गाइस चलिए हम अपना क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं क्लास को तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो लास्ट क्लास है है ना जो हमने बात बात किया था जिसमें अपरा, जितने भी हमारे थ्री क्रिमिनल की बात की थी तो जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि इनकी डिटेलिंग में हम क्या करेंगे अलग से क्लास के लिए पढ़ेंगे इनकी डिटेलिंग को वैसे तो एज यू ऑल नो दैट कि ये जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं ये हमारे फर्स्ट ऑफ जुलाई

तीन नए आपराधिक कानून है क्या है हम इनके बारे में क्या करते हैं डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या धाराएं या है, कैसे उनको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, है ना चलिए कि एक जुलाई से लागू हुए ये तीन नए जो कानून है हमारे क्या क्या कानून थे हमारे अब इनको हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं क्या क्या कानून हमने पढ़े थे वैसे तो मैंने आपको इन कानून के बारे में क्या कौन कौन से कानून है उस दिन बता दिया था लेकिन अभी एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं यहाँ पे नए कानून हमारे क्या है हाँ जी तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया है सबसे पहले है हमारा भारतीय न्याय संहिता दूसरा कानून हमारे पास क्या आया है भारतीय नागरिक संहिता एंड द थर्ड वन कानून हमारे पास क्या है भारतीय अब इनके में हमने क्या था? ये जो कानून है ये नए कानून नहीं बने है। इनको क्या something. 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 Something किया गया है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे पुराने कानून थे कौन से जब हम नए से पूछ सकते हैं तो हमारे पुराना भी पूछ सकते हैं ना किसने किसको रिप्लेस किया है है ना तो हमारा सबसे पहले आता है कि कौन सा कानून है जिसने भारतीय न्याय संहिता को रिप्लेस किया वो है हमारा भारतीय दंड संहिता जो कि हमारा 1807 में था भारतीय नागरिक सहायता है संहिता है इसको क्या है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता एटीन नाइनटी एट एंड भारतीय जो साक्ष्य है इसको बोला जाता था सिर्फ साक्ष्य अधिनियम इसका जो क्या था हमारा 1972. तो अब किसने किसको रिप्लेस किया, कि किया? किया, किया है कानूनों में नहीं है ऐसे नए कानून है इनको रिप्लेस किया गया है रिप्लेस करने के पीछे हमारा कारण क्या था कि ये जो कानून है कौन से वाले अभी मैं आपको जो हाईलाइट करके बताती हूँ ये भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1972 ये जो कानून है हमारे ये कानून क्या है हमारे ये वो कानून है जो कि औपनिवेशिक काल या जो हमारा बोल देते हैं ब्रिटिश शासन था उस समय में ये क्या के कानून क्या थे बनाए गए थे उस समय में ये कानून बनाए गए थे उस समय के ये बनाए गए कानून क्या है हमारे उस समय के नियमों के अनुसार थे कि उस समय की क्या थी परिस्थितियां कैसी थी उनके अनुसार क्या है हमारे ये कानून बनाए गए थे और इन परिस्थितियों को वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार इनको रिप्लेस किया गया है है ना तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा तो चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी नया कानून है किसने किसको रिप्लेस किया है यहाँ पे नाइनटीन 19... नहीं है एटीन सेवेंटी टू है हाँ जी अब हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट आ जाता है कि नए कानून संसद से कब पारित हुए थे तो यहाँ से भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी संसद है संसद में क्या क्या है हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ये जो तीन है ये संसद के हमारे मुखिया है तो उसी से कहा से पारित हुए हैं कब गए हैं तो 12 दिसंबर 2023 को इन तीन कानूनों में बदलाव का जो बिल है संसद के निचले सदन लोकसभा में पारित हुआ तो सबसे पहले जो है हमारा बिल लोकसभा में जाता है लोकसभा में गया लोकसभा में हमारा कब जाता है ये 12 दिसंबर को उसके बाद जाता है ये राज्यसभा में है ना उसके बाद बोला कि 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और एक इक... 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हो गए थे यहाँ से पारित होने के बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों जो विधेयक हैं हमारे बिल हैं इनको क्या कर दिया था मंजूरी दे दी थी जब राष्ट्रपति से मंजूरी आ जाती है तो वो हमारे आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है उनकी घोषणा हो जाती है कि इस इस तारीख से ये नए कानून हमारे जो भारत में क्या हो जाएंगे लागू हो जाएंगे वो तारीख कौन सी थी वो तारीख थी हमारे पास चौबीस फरवरी दो तो हमने इसमें क्या देखा कि 12 दिसंबर 2023 को ये बिल कहाँ पे गए थे ये बिल हमारे गए थे लोकसभा में है ना लोकसभा के यहाँ पे लोकसभा में जाने के बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से और इक्कीस दिसंबर 2023 को राज्यसभा से यहाँ से ये क्या हो गया था हमारा जो बिल है वो क्या हो गए थे यहाँ से वो पारित हो गए मतलब कि यहाँ से वो साइन होके आगे चले गए अब यहाँ से साइन होने के बाद जैसे मैंने अभी बताया हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का यहां से यहाँ आए अब यहाँ से हमारे कहाँ जाएंगे प्रेसिडेंट के पास ठीक है तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किस तारीख को इस पे इन जो को अपनी मंजूरी दी थी वो थी हमारी 25 दिसंबर 2023 को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इन तीनों बिल्स को क्या किया था उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी थी उन्होंने इनको एक्सेप्ट करके इस पे सिग्नेचर करके आगे भेज दिया था एंड जब प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो हमारी जब संसद से ये बिल पास होके आगे चला जाता है तो वो जाएगा कहा हमारी सेंटर गवर्नमेंट के पास तो सेंटर गवर्नमेंट ने किस तारीख को किया था चौबीस फरवरी दो हजार चौबीस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इन बिलों की क्या कर दी थी घोषणा कर दी थी अनाउंसमेंट कर दी थी इन्होंने ये अनाउंसमेंट करने के बाद क्या बताया कि इन अनाउंसमेंट कर दी और इन्होंने अपने अनाउंसमेंट में क्या बोला इन्होंने बोला कि जो एक जुलाई दो हजार चौबीस से ये क्या ये जो लॉज हैं वो क्या आ जाएंगे लागू हो जाएंगे तो हमारा एक जुलाई 2024 से ये जो हमारे तीन लॉज हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं लागू हो चुके हैं तो हमारा ये दूसरा पॉइंट हमारा यहां पे हो जाता है कि कब हुआ क्या क्या तारीख थी बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि ये जो कानून है वो कहाँ कहाँ लागू हुए हैं है ना अब ये आ जाता है कि हमारे पास तीन कानून तो आ गए अभी लागू कहाँ हुए हैं तो ये कोई एक स्टेट है स्टेट में हुए हैं जिले में हुए हैं ब्लॉक में हुए हैं कहाँ हुए हैं तो ये जो हमारा कानून है ये हमारा पूरा भारत हमारी जो पूरी कंट्री है इंडिया हमारी पूरी कंट्री में एक जुलाई से क्या हुए लागू हुए हैं नेक्स्ट पॉइंट नए कानूनों का उद्देश्य का है, क्या है तो मैंने जैसे कि मैं आपको अपनी पहली क्लासों में भी बताती हूँ कोई भी स्कीम आती है कोई भी योजना आती है या कोई कानून आता है सबका क्या होता है कोई ना कोई उद्देश्य होता है ये स्कीम है कानून है या कुछ भी जो हम लॉन्च करते हैं हम पढ़ते हैं तो हमारा इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि हमें क्या चीज नौकरी चाहिए हम अपने जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करना है तो हमारा भी उसके पीछे उद्देश्य है ना उसी तरह जो कानून है उनके भी, भी कुछ उद्देश्य होंगे इस उद्देश्य को मैंने अगर आपको वन लाइन में बताती हूँ तो इनको हम क्या बोलते हैं अधिक सुलभ न्याय अगर हम इसकी वन लाइन में बात करते हैं तो अधिक सुलभ न्याय मिलना होता है तो इसको सरकार ने इसके बारे में क्या कहा कि समाप्त होने वाले ये तीनों जो कानून है अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे उनका उद्देश्य सिर्फ दंड देना था न्याय देने का नहीं ये जो तीन कानून है ये किस लिए बनाए गए अभी हमारे जो संविधान में है इन कानूनों को क्या है? इसमें चेंज किया गया है कि ये जो है इनका जो उद्देश्य होना दंड देना नहीं होना चाहिए बल्कि न्याय देना होना चाहिए देखो मैंने आपको वन लाइन में भी बताया कि अधिक सुलभ न्याय और इसमें भी हमें यही बता रहा है कि क्या था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या एक्सप्लेन किया कि ये कानून हमारे ब्रिटिश समय के थे है ना ब्रिटिश समय में क्या होता था कि उनका सिर्फ क्या था एक ही रूल था क्या था सिर्फ दंड देना उन्होंने कभी न्याय जो है न्याय जो शब्द है उन्होंने कभी रखा ही नहीं अगर वो न्याय रखते तो आज जो हमारा देश इतना पिछड़ा चल रहा है वो पिछड़ा नहीं होता हम भी और कंट्रीज की तरह क्या होते आज डेवलप्ड कंट्रीज में आते है ना अभी जो डेवलपिंग चल रही हैं उसके बाद आता कि इन्होंने बोला लेकिन हमारे भारतीय समाज में क्या हुआ कि हमारे जो वर्तमान हमारी भारत की सरकार है वर्तमान क्या किया उन्होंने परिस्थितियों का अवलोकन करके क्या पता लगाया अवलोकन करके ये पता लगाया कि ये जो तीन न्याय हैं ये हमारे ब्रिटिश समय के हैं वो सिर्फ उन उस टाइम की जो आवश्यकताएं हैं या परिस्थितियों का क्या करते थे पूरा करते थे वर्तमान में ये जो न्याय हैं अपनी परिस्थितियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उस उस बेस पे इन्होंने क्या किया इनको इनमें बदलाव लेके आए बदलाव लेके आए तो उन्होंने बदलाव में सबसे बड़ी बात क्या बोली सबसे बड़ी बात यही बोली कि ये जो न्याय है इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है कि उनका जो उद्देश्य है वो दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है हम न्याय सी चीजों को जब अच्छी तरह से सुधार सकते हैं हमारे समाज में या कहीं भी सुधार ला सकते हैं क्यों दंड ही हर एक चीज का हर समस्या का हल नहीं होता है न्याय होता है तो यही चीज उन्होंने कहना चाहा था उसी बेस पे ये लोज आए हैं अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे ठीक है अब क्या आया है कि ये जो पुराने मामले हैं उनका क्या होगा मतलब इसमें क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जो हमने बोल दिया कि एक जो जुलाई है एक जुलाई से हमारे नए कानून लागू हो गए तो जो पुराने मामले हैं जितने भी पुराने मामले थे जितने भी हमारे जितने मामले चल रहे थे उन मामलों का क्या होगा तो गवर्नमेंट ऑफ जो है हमारी इंडिया ने क्या बताया कि जो एक जुलाई से पहले के जितने भी मामले दर्ज हो चुके हैं वो उन्ही कानून के आधार पर चलेंगे वो जो जो पुराने कानून पे कार्रवाई हो रही थी वो जो है हमारी उसी के अनुसार चलेगी लेकिन लेकिन एक जुलाई के बाद बात करते हम एक जुलाई 2024 के बाद जो भी मामले दर्ज किए जाएंगे वो सभी जो हमारे हैं नए कानूनों के, के अनुसार दर्ज किए जाएंगे नए कानूनों के अनुसार चलेंगे जो भी हमारे नए मामले हैं वो हमारे जो नए कानून हैं उन्हीं बेस पे चलेंगे पुराने जो कानून हैं उनके आधार पर वो नहीं होंगे है ना यहाँ तक आ गया समझ में हमारी ये जो पॉइंट है इसमें भी यही लिखा गया है इसको मैं बता देती हूँ कि गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह है उन्होंने क्या बताया उन्होंने हमें यही बताया कि एक जुलाई दो हजार चौबीस से पहले दर्ज हुए जितने मामले हैं कानूनों के तहत ही चलेंगे लेकिन एक जुलाई दो हजार चौबीस के बाद जो भी मामले हैं उनको हम नए आपराधिक कानूनों के तहत आएंगे और गृह मंत्रालय के जो है गृह मंत्री उन्होंने एक बयान में क्या बोला कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं ये हमारे लिए क्या है एक इंपोर्टेंट आ गया कि कितने कान बदलाव किए गए हैं 313 सरकार का कहना है कि ये जो कानून है आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आम तो परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम तीन वर्षों में न्याय मिलेगा पहले क्या होता था हमने पहले क्या कानूनों में देखा कि जो न्याय मिलने में है ना इन्होंने न्याय की जो समय सीमा है समय सीमा को क्या कर दिया है किसी का चल रहा है वो केस हो रखा उसका जो न्याय है उस न्याय को मिलने में उन्होंने तीन से चार साल लग गए चार से सात साल भी लग गए ठीक है ये इतना टाइम पीरियड क्या था हमारा टाइम पीरियड को वो इनक्रीज करते रहते थे अब क्या हुआ है हमारी सरकार ने क्या बोला कि ये जो कानून है ये चेंजेस क्या लेके आएंगे सबसे बड़ा चेंज ये है कि जितना भी जो भी होगा जिस भी सुनवाई होगी जो भी कार्यवाही होगी उसका जो न्याय है हमें न्याय कितने वर्ष में मिलेगा तीन वर्षों में न्याय हमें मिल जाएगा समय सीमा हमारे पास क्या है निर्धारित है समय सीमा निर्धारित तो यहाँ से हमारे ये जो पार्ट है हमारा थ्री लोज का इसमें से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं जो important, important. अगर हम इनमें से क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं तो पंद्रह से बीस क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं जाते हैं हाँ हमें वो लगेंगे कि ये सामान्य है लेकिन वो सामान्य नहीं है तो ध्यान रखना है कितना टाइम पीरियड है तीन वर्ष का टाइम पीरियड है तो अब हम चलते हैं हमारे आगे यहाँ तक आइए आपको आप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा हाँ जी तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हमने हमारे जो कानून की प्रक्रिया है क्या क्या चेंजेस आए हैं क्या क्या हमने इसके क्या क्या स्टेजेस रहे हैं उनको हमने पढ़ लिया अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं नए कानूनों में बड़े बदलाव क्या है है ना कुछ हमारे जो पुराने जो पुराने कानून थे उनमें क्या क्या है बदलाव किया गया है और कुछ कानून जो है हमारे क्या कहे हैं नए कानूनों को क्या किया है जोड़ा भी गया है तो अभी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं अब इनको हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि कौन सा जोड़ा गया है और कौन कौन से कानूनों ने नए ऐड किए गए हैं हमारे जो है बहुत सारे नए कानून भी ऐड किए गए हैं इसमें तो चलिए हम इनको डिस्कशन करते हैं एक-एक को कि कौन कौन से नए हमारे ऐड हुए हैं है जी तो कौन से कौन से हमारे नए ऐड हुए हैं सबसे पहले तो हमारा सबसे मुख्य जो कानून है वो क्या था हमारा एफ आई सी जब तो कानून था इसमें हमें क्या बताया हुआ है इसमें हमें ये बताया है कि जो हमारा एफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें आता है हमारा जीरो एफ जीरो आर का मतलब क्या है कि पहले जो हमारा कानून था उसमें हमें क्या था कि अगर कहीं भी क्राइम हो रहा है हम एफ लिखवाने जा रहे हैं तो जो आधार वो जो एफ लिखने का जो स्टेशन है वो क्या कहते थे ये जो क्राइम है ये हमारे जो स्टेशन एरिया है उसके अंडर नहीं आता है तो आप ये जिस स्टेशन एरिया के अंडर आता है वहां जाके क्या कीजिए इस एफ आई आर को दर्ज करवाइए ये होता था इसमें चेंज क्या किया गया इसमें जो हमारा चेंज ये किया गया है अब कि जो भी एफ आई आर है हम उस एफ आई आर को क्या करेंगे वो एफ आई आर हमारी अब किसी भी एरिया में है कोई भी एरिया है कोई भी आधिकारिक क्षेत्र है वहां पे हम इसको दर्ज करवा सकते हैं और वहां पे दर्ज करवाने के बाद ये जिस एरिया का क्राइम है है ना? जिस एरिया का क्राइम है वहां पर ये जो हमारी एफ आई आर है उसको कितने दिनों में पंद्रह दिनों में वहां पर क्या कर दिया जाएगा भेज दिया जाएगा ये इसमें चेंज आ गया है हमारा कि कानून में कैसे हमारा चेंज आया है तो इसके बाद है हमारा ये सबसे बड़ा चेंज है वैसे तो उसके बाद आता है हमारा हम दूसरा पॉइंट देखते हैं दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी हमारी अपील होगी जो किसी भी प्रकार की अपील होती है उसकी क्या होगी उस जो अपील की जो सुनवाई होगी हमारी उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके लिए हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी ये जो है हमारे क्या है जो हमारी डिजिटाइजेशन है है ना आजकल जो हमारा इक्कीसवीं इक शताब्दी के अनुसार हमारा जो डिजिटाइजेशन चल रहा है उस हिसाब से हमारा क्या इसमें ऐड किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेके तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी हमारे यौन अपराध है हमारे है ना जो भी अगर कोई रेप केस है या कुछ ऐसे शोषण अधिकार है अपराध है तो अनिवार्य कर दी गई है कि क्या जब भी हम ऐसे अपराधों का जो भी हम बयान दर्ज करेंगे या उसकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो उसकी क्या होनी चाहिए वीडियोग्राफी दर्ज होनी चाहिए ये एक नई चीज ऐड हुई है उसके अलावा हमने क्या पढ़े हैं जितने भी अब यौन अपराध है इसमें वीडियोग्राफी है अब इसी में एक और चीज क्या है कि जो हमारे रेप केस आते हैं है ना जो रेप केस आएंगे या जिसमें आते हैं हमारे जो सामूहिक जो रेप केस होते हैं उनमें क्या बोला कि जो सजा है सामूहिक जो रेप केस की सजा है उनको क्या कर दिया गया है अवधि को बढ़ाकर जो है उसको या तो बीस साल कर दिया है या वो जो लाइफ टाइम की प्रिजनर होती है जिसको हम आजीवन कारावास बोलते हैं उसको वो कर दिया गया है रेप केस से रिलेटेड तो उसके बाद आता है हमारा इसी में बता देती हूँ ये इसी से रिलेटेड है अगला पॉइंट भी रेप केस की सजा को बीस साल से ये लाइफ टाइम कर दिया है उसके बाद आता है अगर कोई नाबालिग नाबालिग से अगर किसी भी प्रकार का बलात्कार या जो रेप होता है जो उसकी सजा है उसकी सजा को क्या कर दिया उसकी सजा को बदल दिया है किसमें मौत की सजा में भी बदल दिया है मौत की सजा भी शामिल है पहले क्या था हमें ऊपर क्या पड़ा रेप केस में 20 साल की सजा भी हो सकती है लेकिन अब अगर बात आ जाती है नाबालिग की नाबालिग क्या आ जाएगी हमारी अठारह वर्ष से कम क्या आ जाएगी अगर नाबालिग होगी तो नाबालिग की अगर उसमें होगा तो हमारी सजा क्या हो सकती है मौत की सजा भी इसमें हो सकती है तो ये एक जो है एक ही चीज में हमारी ये तीन चीजें हमने ऐड कर दी है कि सबसे पहले हमारे उसके पास वीडियोग्राफी होनी चाहिए बयान की फिर सजा से रिलेटेड इन्होंने क्या बोला अगर सजा है बीस साल और लाइफ टाइम हो सकती है अगर बात होती है हमारी नाबालिग की तो वो सजा हमारी क्या हो सकती है मौत की सजा हो सकती है उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा अगला पॉइंट है हमारा कि जो टाइम पीरियड है हमारा क्या था कि जो हमारी एफआईआर है एफआईआर को क्या किया जाता था वो होते हैं इसमें क्या क्या करते हैं जब इनमें न्याय दिलाते जाते हैं ये चीजें है जो न्यायालय में जाते जाते अगर इनका टाइम पीरियड बढ़ भी जाता है चार्जेस इंक्रीजेज होते भी जाते हैं गवाह भी होते हैं प्रूफ भी ढूंढने होते हैं इन सारी चीजों को मिला के ये जो है हमारी जो इनके जो डेज अगर इंक्रीज भी होते हैं तो वो हमारे 90 दिन और बढ़ा सकते हैं इन्होंने सिर्फ ये बोला है इस पॉइंट में इतना खास नहीं है कि जो 90 दिन की अवधि है उसको बढ़ा के 90 दिन और भी ऐड किए जा सकते हैं कुल क्या है हमारे 180 दिन हो गए ये 180 दिन की अवधि का समय लिया जा, जाएगा उसमें उस अवधि को हमने कितना बढ़ा दिया है 180 दिन 180 दिन में जो भी हमारी जांच है उस जांच का पूरी जांच पड़ताल करके उस चीज को न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा उसका न्याय दे दिया जाएगा टाइम पीरियड हमारा कितना एक सौ अस्सी दिन नब्बे दिन अब जैसे ही हमारे न्यायालय में हमारी क्या बात हुई जैसे ही हमारे न्यायालय में हमारा क्या है आरोप पत्र पहुंच जाता है मतलब हमारी एफआईआर है वहां पे पहुंच जाती है वहां पे पहुंच जाने के बाद जो अदालत है है ना अब बात आ जाती है हमें न्यायालय आ गया कितना समय बढ़ा सकते हैं अब आ जाती है हमारी जो अदालत पे काम आ जाता है जो हमारा कोर्ट पे काम आ जाता है तो वो कोर्ट क्या करेगी कितने दिन के भीतर भीतर अपना काम पूरा करेगी है ना काम पूरा करने की अवधि भी हमें दे दी गई है कितनी अवधि दी है साठ दिन की कि जो आरोप प्राप्त आरोप जो पत्र है वो मिलने के बाद जो अदालत है साठ दिन के अंदर अंदर आरोप तय करने का क्या कर देगी काम पूरा कर देगी ये पॉइंट दिया है हमें और हमें क्या बताया है जैसे ये हमारी सुनवाई है है ना सुनवाई जैसे ही खत्म होती है अब हमें ये पता लग गया आरोप कहाँ से गया कितने दिन की अवधि लगी है अब हमें आरोप पत्र भी आ गया अदालत ने टाइम कितना दिया साठ दिन का दिया काम पूरा करने का अब ये जैसे ही हमें पता है कि सुनवाई खत्म हो गई है अब सुनवाई खत्म होने के बाद तीस दिन का समय दे दिया कि तीस दिन के अंदर अंदर क्या कर दिया जाएगा जो अदालत है वो अपना फैसला सुना देगी अवधि से शुरू करके हम दिन पे आए दिन के अंदर फैसला आखिरी जो फैसला है फैसले में क्या मिलेगा न्याय जो न्याय मिलेगा वो हमारा जो है आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद जो अदालत अपना साठ दिन में काम पूरा करेगी तय करने का साठ दिन में काम पूरा करने के बाद उसमें क्या लेगी तीस दिन के अंदर अंदर तीस दिन के भीतर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तीस दिन के भीतर विद भी इन थर्टी डेज क्या करेगी जो अदालत है अपना फैसला सुना देगी जो न्याय है वो कर देगी और जब ये हमारा फैसला सुना जाया जाएगा फैसला सुनाए जाने के बाद विद इन सेवन डेज विद इन सेवन डेज हमारा क्या होगा इसको ऑनलाइन हमें उपलब्ध करवाया जाएगा देखो ये चीजें नई ऐड हो चुकी हैं ऑनलाइन जो है हमारी है ना ये चीजों को अभी आज के वर्तमान की जो स्थिति है उनको देखते हुए ऑनलाइन जो है ये सारी आजकल देखते हैं हम स्टडी हमारी ऑनलाइन है हर चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं शॉपिंग हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारा जो कोर्स का सिस्टम है उसमें भी ऑनलाइन जो है हमारे पार्ट को शामिल कर लिया गए है है ना अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए जो सुनवाई से रिलेटेड थे ये हमारे पॉइंट आ गए अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की अगला पॉइंट क्या है अगर हम किसी भी तरह की तलाशी करते हैं तलाशी करते हैं या जब्ती करते हैं मतलब जब्ती क्या होती है कई बार ये जो हमारे रोड साइड व्हीकल्स भी होते हैं है, है ना चोरी का जो सामान है जो चोरी का सामान है हम उनकी जबत करते हैं उनकी तलाशी करते हैं उस टाइम हमारा क्या होना चाहिए जो वीडियोग्राफी है उस टाइम हमारी वीडियोग्राफी होना क्या है अनिवार्य कर दी गई है कि आप ऐसा अगर ऐसा कुछ भी कार्य करते हो तो आपको वीडियोग्राफी करना अनिवार्य हो गया है इससे अगर आप वीडियोग्राफी नहीं करते हो तो ये नहीं माना जाएगा मानना तो जाएगा लेकिन आपको जब रूल दे दिया है जब सरकार ने कानून बना दिया है तो हमें कानून का पालन करना पड़ेगा और वीडियोग्राफी भी बनानी पड़ेगी हाँ जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ बता देते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि जो सात साल से अगर कोई भी अपराध है है ना सामान्य भाषा में बताती हूँ कोई भी अपराध है जिसकी जो सजा है हमें कितनी दी है सात साल उसकी सजा बताई है अब कोई भी अपराध है जिसकी सजा सात या उससे ज्यादा साल की होती है तो जो मामला है हमारा है ना उसमें हमारी जो फोरेंसिक टीम है उनका भी वहां पर जो अपराध स्थल है अपराध स्थल पर टीम का होना अनिवार्य है। हाँ, क्या बोला कि जिस अपराध के साथ साल से या सात साल से अधिक सजा है उस अपराध के लिए जो हमारी फोरेंसिक टीम है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है स्टेट लेवल पे है जैसे भी है हमारी फोरेंसिक टीम को क्या होना है वहां पर अपराध स्थल पर फोरेंसिक टीम का भी होना अनिवार्य कर दिया गया है हमारा फोरेंसिक टीम भी वहाँ पर क्या करेंगी दौरा करेंगी उसके बाद आ जाता है अब जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल अपराध होते हैं है ना ऑर्गेनाइजेशन मतलब बोल देती हूँ कुछ संगठित होते हैं ग्रुप होते हैं इन अपराधों के लिए अलग अलग बताएंगे इनके लिए अलग अलग प्रावधान दे दिए हैं कि ये ये प्रावधान रहेंगे आपको इन इन, इन इनके कठोर सजा दे दी है कुछ अलग, अलग अलग प्रावधान निकाल दिए हैं ये सिर्फ कॉमन है हमने जो ऊपर किए हैं जो नीचे हमने अभी पढ़े हैं जो मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिए हैं है ना ये कुछ सामान्य चीजें हैं इनके लिए जैसे संगठित अपराधों के लिए कठोर सजा दी जाएगी उसके अलावा हमारे पास कुछ हैं जैसे शादी से आ गया शादी आ गया है नौकरी आ गया है ये झूठे बहाने हैं है ना ये जितने भी होते हैं स्टॉकिंग करना है इन सभी में क्या है कि इनके लिए भी जो दंड के हैं अलग अलग प्रावधान आ गए हैं, है ना दंड या सजा है जो कानूनी कार्रवाई है उनके अलग अलग प्रावधान आ गए हैं और हमारे पास रह गया है और है हमारे हाँ एक ये जो आ जाता है चैंस नीचिंग है है ना मोबाइल मोबाइल स्नैचिंग है या चैन स्नीचिंग है और मोब लिंचिंग है ये इस तरह की आजकल क्या है हमारी घटनाएं ज्यादा हो रही है, है ना इसके बाद हम पर करते हैं हाँ एक चीज हमारी रह गई है एक और इम्पोर्टेंट चीज आपकी बता देती हूँ लास्ट पॉइंट रह जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट रह गया वो क्या है कि अगर अब हमें पता लग गया कि हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था यहाँ पे अदालत में तक कार्यवाही गई अब उसकी सजा को 20 साल से बढ़ा के हमारा क्या बोला कि वो आजीवन सजा हो सकती है है ना अब क्या बोला है कि जो मृत्यु दंड है हमारा मृत्यु दंड है ना किसी को सजाए मौत भी दी जाती है सजाए मौत हमने कहा जो रेप केस होते हमारे नाबालिग केस में होते हैं उसमें क्या दिया मौत की सजा दी है अब जो सजाए मौत है मृत्यु दंड है अगर हमें मृत्यु दंड की सजा को क्या करना है कम करवाना है मृत्यु दंड की सजा को कम करवाना है मृत्यु दंड की सजा को कम करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए Osionfish. ये चीज होके आजीवन कारावास में बदल सकते हैं मृत्यु दंड को कम करवाना है इसकी सजा को चेंज करवाना है तो आजीवन कारावास हो गया है अगर हम आजीवन कारावास की भी सजा को अगर हम कम करवाते हैं तो हमारे पास अधिकतम सात साल की सजा तो होगी ही होगी कि अगर आजीवन कारावास को कम करवाते हैं तो अधिकतम सात साल की सजा होगी ही होगी अगर हम इस सात साल की सजा को भी कम करवाते हैं तो हमारी अधिकतम जो सजा है वो कितनी कर दी गई है हमारी तीन साल तीन साल जो है वो तो सजा जो है आपको का, कानूनी दायरे के अंदर ये झेलनी ही पड़ेगी इससे कम नहीं किया जाएगा इससे कम नहीं किया जाएगा कि क्या बोला मृत्यु दंड जो है मृत्यु दंड की जो सजा दी जा सकती है अगर उसको हम किसी भी तरह कम करवाते हैं तो वो हमारी किसमें बदलेगी आजीवन कारावास में बदलेगी आजीवन कारावास में बदलने के बाद अगर हम आजीवन कारावास जो है हमारा उसको बदलना चाहते हैं तो वो हमारी अधिकतम सात साल हो सकती है अगर हम सात साल की जो सजा है उसको भी थोड़ा बहुत कम करवाना चाहते हैं तो अधिकतम से अधिकतम और न्यूनतम से न्यूनतम हमारे पास तीन साल की सजा आ जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम अब हमें तीन साल की सजा तो है ये तो झेलनी ही पड़ेगी अगर कोई अपराध किया है अगर इससे कम नहीं होगी तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इससे कम क्या है हमारी कोई भी सजा इससे कम नहीं होगी तो ये जितने भी पॉइंट्स है हमने क्या पढ़ा इसमें कि हमारे नए कानून में क्या बदलाव हुआ है कौन कौन से नए कानून आए हैं है ना ये सभी यहाँ पे लिखित है मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा दिया है कौन से नए आए हैं कौन से बदलाव किए गए हैं हालांकि नए मुझे लगता है कि नए तो है एक तो हमारा जो वीडियो वाला है है ना वीडियो वालों को ऐड किया गया है दूसरा हमारे कौन से ऐड किए गए हैं जो डेज को इंक्रीज किया गया है मृत्यु दंड है सजाए मौत है नाबालिग के लिए उन सभी में क्या किए गए चेंजेस हमारे किए गए हैं अब उसके अलावा बाद हम देखते हैं कि कुछ हमारी धाराओं में भी परिवर्तन हुआ है कौन सी धारा में क्या परिवर्तन हुआ है है ना हम एक बार हम उन धाराओं धाराओं को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी धाराओं में क्या परिवर्तन हुआ है कि which section in the new कि सेक्शन इन द न्यू भारतीय न्याय संहिता एंड जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में क्या है है ना और जो पहले क्या थे अब उनमें क्या क्या हमारे चेंजेस हुए हैं अब उनको धाराओं को हम देखते हैं जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे जैसे हमारा मर्डर है अब मर्डर का जो क्राइम है मर्डर के क्राइम के लिए हमारी कौन सी धारा आ गई है पहले जो हमारी आईपीसी धारा थी है ना पहले हमारे जो आईपीसी धारा थी ये कब की थी ये हमारी 1860 वाली है ना ये जो है हमारी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाली मैं लिख देती हूँ मर्डर की धारा हमारी क्या थी तीन सौ दो में जो है तीन सौ दो लगाई जाती थी तीन सौ दो है और हम देखते हैं ना कई बार किसी चीज की हुई है तो हम तीन सौ छह की धारा लगाई ये, ये है ये धारा लगी है तो वैसे ही जो मर्डर की जो हमारी तीन धारा थी अब उस धारा को जो है हमारा बी भारतीय न्याय संहिता में बदल के क्या किया है हमारा उसको एक जो धारा में इसको सम्मिलित कर दिया है वैसे ही हमारा फ्रॉड एंड चीटिंग है उसमें हम चार सौ बीसी देते हैं हम कई बार कहते हैं ना तेरे पे 420 की धारा लगा देंगे है ना प्रोडेंट चीटिंग के मामले में 420 की जो धारा है अब उस जो धारा को है हमारा आईपीसी से बदलाव करके 318 में क्या कर दिया है बीएनएस में 318 धारा में कंफ्यूज कर दिया है अब तीसरा आता है हमारे रेप के मामले में आते हैं तो पहले हमारी थी 375 375 सेवेंटी धारा थी अब उसको क्या किया है हमारा IPC से, हम जब बीएनएस पे तो हम जब है, है? है. नेक्स्ट है, आती है उसमें हमारी अब रेप है तो था, अब ये इसी के पार्ट में चल रहा है, है ना अब ये तीन सौ छिहत्तर है छिहत्तर में डी पार्ट जैसे हम आर्टिकल्स में पढ़ते हैं ट्वेंटी वन है तो ट्वेंटी वन ए है बी है फिफ्टी वन है ए है बी है वैसे यही हमारी इन धाराओं में क्या है ये 376d में ये बिल्कुल ध्यान में रखना है 376d में आता था अब हमारा जो bns है उसमें इसको 70 जो धारा है उसमें शामिल कर दिया है ऐसे ही जो है प्रोहिबिट पब्लिक गैदरिंग जो होती थी हमारी उसकी जो धारा हमारी क्या थी एक 141 से 144 तक धारा थी अब इस धारा को हमने bns में क्या कर दिया है 187 से 189 में बदल दिया है अगली आती रिओट्स की धारा आती है इसमें क्या है हमारी जो आईपीसी की धारा क्या थी एक की धारा थी उसको हमने बदल के क्या कर दिया है 192 में चेंज कर दिया है डॉरी डौ, से रिलेटेड है हमारी जितने भी दहेज को लेके जो आजकल सुसाइड्स हो रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है वो जो धारा कौन सी थी 304 बी के अंदर आती थी अब उसको चेंज करके हमारा बीएनएस में क्या कर दिया है एटी में आने लग गई है देखी थी तीन सौ बीस लेकिन अब कमिट मर्डर लिए हमारी 307 लगती थी अब उसको हमने change किस में किया है वो हमारी चेंज हो गई है 109 में धारा में आ गई है और डिफेमेशन है हमारी उसके लिए हमारी कौन सी होती थी पहले हमारे धारा होती थी चार सौ पहले धारा हम कौन सी पढ़ते थे चार धारा पढ़ते थे अब उस धारा को हमने चेंज कर दिया है थ्री में आ गया है किडनैपिंग से रिलेटेड जो थी कितने भी केसेज आते थे उनको किस धारा के अंदर दर्ज करवाया जाता था थ्री फाइव नाइन धारा के अंदर दर्ज करवाया जाता था जो कि अब हमारी बीएनएस में आके ये वन थर्टी सेवन हो चुकी है असोल्ट करने के लिए जितने भी हमारे असोल्टेशन के केस आते थे है ना असोल्टेशन के हम केस देखते थे उन सभी जो अटोल उनके केसी के लिए हमारा क्या थी कौन सी धारा आती थी 351 जो है हमारी धारा आती थी कोई भी किस पे हमला कर रहा है ऐसी जो धाराएं थी हम 351 में क्या करते थे लिखवाते थे वो अब जो धाराएं हैं हमारी बी के अंडर उसको कर दिया है वन के अंदर एड कर दिया गया है अगली आती है स्टोकिंग करना स्टोकिंग किसी का पीछा करना जो पीछा करते थे उनकी जो है हमारी हम बी एन एस में आ चुके हैं तो बी में ये धारा हमारी सेवेंटी धारा हो चुकी है तो ये हमारी कुछ नई धाराएं जो एड हुई है और टोटल कितने नए बदलाव किया गया था हमने पढ़ा था तीन में तो ये आपको जो है इसमें टेबल दी गई है आपको ये जो है पूरी टेबल इसमें गिवन है एक एक पॉइंट इसमें गिवन है आप बाकी इनमें से पढ़ लीजिएगा बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में सारी चीजें बता दी हैं और आई होप आपको ये मेरी क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी अगर आपको ये मेरी क्लास समझ आई है तो इसको लाइक करना क्लास को शेयर करना कमेंट भी करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल So, okay, class. Thank you so much.